नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 25 दिसंबर की न्यूज़ को कवर करेंगे। हम इस वीडियो में जिन न्यूज़ को कवर करने वाले हैं ये उनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। बोगी बुल पुल, सदैव अटल, ये सारी न्यूज़ हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, ये ठीक है। इन सारी न्यूज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए आज की पहली न्यूज़ की तरफ। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने असम में बोगी बील पुल, ये पुल का नाम है बोगी बील पुल, इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा जानते हैं। मोदी जी ने असम में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगी बील का उद्घाटन किया। इस पुल का निर्माण असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में किया गया है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, इस पुल की कुल लंबाई है 4.494 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये पुल है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये बनाया गया है और ये अब तक का भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल है ये, ठीक है। ये बनाया गया है, ठीक है। अभी याद रखेंगे कि मोदी जी ने इसके उद्घाटन किया असम के बोगीबुल पुल, इसका नाम है बोगीबील पुल, और ये इसका उद्घाटन किया गया है असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिले में। अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो अगली न्यूज़ है सदैव अटल, ठीक है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का उद्घाटन किया गया था। इस स्मारक का नाम है सदैव अटल, ठीक है। 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का उद्घाटन किया गया है। इस स्मारक का नाम रखा गया है सदैव अटल। अब यहाँ पर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इनकी उपलब्धियों को जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जिनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के लगातार, सॉरी लगातार नहीं है, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वे पहली बार बने थे 1996 में, 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उनका जो कार्यकाल है केवल 13 दिन का था। जब वो 96 में प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल 13 दिन का था। जब वो दूसरी बार बने तो 1998, 1998 से 1990 के बीच में बने थे 11 महीने के लिए, ठीक है। इसके बाद तीसरी बार बने थे 1999 से 2004 के बीच, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। तो ठीक है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं। इनका ये सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे 1996 में केवल 13 दिन के लिए। दूसरी बार ये बने थे केवल 11 महीने के लिए, 1998 से 1999 के बीच में। तीसरी बार ये बने थे 1999 से 2004 के बीच में, ठीक है। ये इनका पूरा कार्यकाल था। 3 बार के ये प्रधानमंत्री हैं। इनका इनके स्मारक का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है सदैव अटल। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनको 7 वर्ष कैद की सजा दी गई है। तो आप देख रहे हैं कितनी कानून व्यवस्था कैसी है वहाँ पर पाकिस्तान में, ठीक है। ये पाकिस्तान की कानून व्यवस्था है। उन्हें यह सज़ा अजीजिया स्टील मिल के मामले में सुनवाई गई है। वे अदालत में, सऊदी अरब में उनकी एक स्टील मिल है जिसका नाम है अजीजिया, उसके लिए आय के स्रोतों को, आय के जो स्रोत थे उसको साबित करने में असफल रहे थे। वो ये बता नहीं पाए थे, जो भी अजीजिया स्टील मिल है उसके लिए जो आय के स्रोत हैं वो कहाँ से हैं, तो ये बता नहीं पाए थे। 2001 में उन्होंने सऊदी अरब में अल अजीजिया स्टील मिल की स्थापना की थी, परंतु इस स्टील मिल की स्थापना के साथ उनके पास धन कहाँ से आया वे इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, ये बता नहीं पाए कि ये जो स्टील प्लांट है इसके लिए उनके पास धन कहाँ से आया। इसके अलावा उन पर 2.5 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है और उनको 7 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो ये है पाकिस्तान का कानून व्यवस्था, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। संगीता वर्मा, इनको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो बस इतनी है, यहाँ पर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये याद रखेंगे कि इसके जो सदस्य हैं उनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, वे हैं संगीता वर्मा, ठीक है। अब इस आयोग के बारे में जान लेते हैं कि इस आयोग का ये आयोग एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में हुई थी। इसने मई 2009 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अनुसार इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है और कम से कम 2 सदस्य या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसके आयोग के जो 4 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब ये आप क्वेश्चन नीचे कमेंट करके बताएंगे, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि पीवी भारती को कॉरपोरेशन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो 24 दिसंबर को कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीवी भारती को
कॉरपोरेशन बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे 1 फरवरी 2019 तक कार्यभार संभालेंगी। इसके बाद वे 31 मार्च 2020 तक इस पद पर रहेंगी। वे वर्तमान में कैनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक हैं, ठीक है, जिनको कॉरपोरेशन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।